Hello everyone, very good morning. Once again welcome to my YouTube channel. तो हम कर रहे हैं 11th क्लास के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 और ये हैंड रिटन नोट्स हैं और ये डेफिनेटली सभी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे. तो इसकी दो वीडियो पहले ही मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं. और ये चैप्टर है हमारा इस्लाम धर्म का उदय और उसका विस्तार. तो आइए इसका लास्ट वीडियो करते हैं. टॉपिक का नाम है अर्थव्यवस्था, कृषि, शहरीकरण व वाणिज्य. अरबों द्वारा जीती गई भूमि पर जो मालिकों के हाथों में रहती थी कर को खराज कहते हैं लगता था, जो खेती की स्थिति, और जो कर गैर मुस्लिम जनता पर लगता था, जो गैर मुस्लिम, जो मतलब जो हिंदू हैं या ईसाई हैं या सिख हैं, उसको जजिया कर कहते थे, जो खेती की स्थिति अनुसार पैदावार के आधे से लेकर उसके पाँचवें हिस्से के बराबर होता था, जो ज़मीन मुसलमानों को मिल्कियत की थी उस पर उपज के दसवें हिस्से के बराबर लगता था. कौन सी? जो मिल्कियत की ज़मीन थी. इकता राजस्व का हिस्सा होता था. इकता को क्या कहते हैं? जो राजस्व का हिस्सा होता है, ठीक है. और इकता भूमि पर लगता है, भूमि पर लगने वाला कर. मुस्लिम अलजामी केंद्रीय मंडी, मुस्लिम अलजामी केंद्रीय मंडी को सुख कहते थे. आवास को फुंदू कहते हैं. व्यापारियों को तुज्जुर कहा जाता है. और सार्वजनिक स्नानघर को हमाम कहते हैं. क्या कहते हैं? हमाम, ठीक है. और 5 शताब्दियों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का चीन, भारत व यूरोप के बीच के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार रहा. तो कितनी शताब्दियों तक? 500 वर्षों तक अरब और ईरानी व्यापारियों का किस पर? चीन, भारत और यूरोप के समुद्री व्यापार पर एकाधिकार था. तो ये बहुत बड़ी बात थी. इसी वजह से वो लोगों ने क्या करा था? बहुत सारी धन सम्पदा उस टाइम पर जुटाई थी. यह व्यापार लाल सागर, फारस, रेड सी, फारस की खाड़ी जो पर्सियन गल्फ है, मसालों, कपड़ों, चीनी मिट्टी की चीज़ों, बारूद, भारत व चीन से लाल सागर के पतनों अदन व ऐदाब, फारस की खाड़ी के पतन सिराफ व बसरा तक जाता था या पहुंचाया जाता था. तो इसकी वजह से जो अरब देश थे उस टाइम पे खूब प्रगति करी उन्होंने, वहाँ की जो इकोनॉमी थे इसी की वजह से. आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. सोना अफ्रीका से चांदी मध्य एशिया, सोना अफ्रीका से पहुंचता था, चांदी व मध्य एशिया जरफसन घाटी से आती थी, ठीक है फ्रेंड्स. कीमती धातुएं, सिक्के यूरोप से भी आते थे. कहां से आते थे? यूरोप से. मध्यकालीन आर्थिक जीवन में मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने अदायगी व व्यापार व्यवस्था को साख पत्रों, अदायगी, उन्होंने अदायगी जो कॉमर्स है, जो आज का हम पढ़ते हैं कॉमर्स में, अदायगी व व्यापार व्यवस्था को साग पत्रों उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में उनको क्या करना, और हुंडियों, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको सुप्तजा कहते हैं, का उपयोग व्यापारियों साहूकारियों द्वारा धन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के दौरान किया. तो ये किसकी देन है? जो वर्तमान में जो कॉमर्स में हम देखते हैं क्रेडिट एंड डेबिट, साग पत्रों और हुंडियों का जो बिल बनाना, ये सारी की सारी मुस्लिम अर्थव्यवस्था की देन थी. ब्याज लेन देन को रिबा कहा जाता था, जो गैर कानूनी थे, ठीक है. ब्याज लेन देन को रिबा कहा गया है. 1001 रातें, अली लैला व लैला की जो एक कहानी है उसमें बताया गया है इसके बारे में. तो इस चैप्टर में हमने सारी बातें क्लियर कर ली है. होप सो आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो यू कैन फॉलो माई यूट्यूब चैनल एंड यू कैन डेफिनेटली गिव मी फीडबैक, सो दैट्स दैट I will definitely improve my video. So give me your suggestion. So till then, bye bye, take care and keep smiling.